अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाहिद हुसैन छिपा एक छिपा कंपनी के जो है ये ओनर भी हैं, कराची में रहते हैं। माशाल्लाह इन पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं, मैं इनको अप्रीशिएट करता हूँ। अल्लाह पाक मज़ीद आपको तरक्की अता फरमाए। कुरान पाक के हवाले से इन्होंने 360 के नाम से कुरान पाक पर खिदमात की हैं, या यूं कहने खिदमात नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह पाक मज़ीद इससे अच्छा काम ले। जाहिद हुसैन छिपा मैं सलाम पेश करता हूँ आपको। आपने दुनिया की तालीम को दीन पर लगा दिया, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं और दुनिया आखरत में भलाई अता फरमाए। अगले दिन एक हदीस पाक थी, मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा। एक आलम दीन थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे हदीस लिख कर दें। एक हदीस थी, वो किताब मंगवाते रहे, फ़ज़ाइल आमाल में लिखी हुई थी। वो ये था कि कुरान पाक हदीस पाक में है कि चार सवाल क़यामत के दिन होंगे। दूसरी हदीस दूसरे रावी से रिवायत है कि पांच सवाल होंगे। तो जब ये मसला हुआ तो मैंने गूगल पे सर्च किया, तो दोनों हदीसें हमें मिली। पांच सवाल सर्च किए तो वो भी थी, और चार वाली वो भी थी। चार वाली जो थी वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से थी, और जो पांच सवाल वाली थी वो थी हज़रत इब्ने अब्बास या के इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से थी। शायद नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे सहाबी से थी। दोनों हदीसें मौजूद थीं। ये जो काम गूगल पे किया है तो ये गलत किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह पाक हमें मज़ीद इस जो 360 इस्लाम के नाम से उन्होंने कुरान पाक पर खिदमात की हैं, हमें भी मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सबको जो है तौफीक अता फरमाए। मैं सलाम पेश करता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और उलमा और इनके दायरा कार में रहकर जो है हमारा मसला क्या है कि जो चीज़ हमारे मसलक के उलमा से ताईद ना ली जाए वो बेकार है, उसकी खिदमात कंडम है, रद्दी की टोकरी में है। जो शख्स हमसे ताईद ले फिर वो कारामद है, क्योंकि वो आलिम नहीं है। आप उसको चेक करें, वो पूरी दुनिया में जो है उसने ऐपें बना दी हैं 360 के नाम से। आप उसकी गलती निकालें, आप उसको आगाह करें, इसलाह करें, वो आएगा आपके पास। तो उसकी मेहनत को कंडम ना करें, आप भी उसे इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। आलिम हैं, तलबा हैं। अल्लाह पाक हमें सबकी काविशों को सराहना चाहिए, बुखल नहीं करना चाहिए। जाहिद हुसैन छिपा साहब, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। यहाँ लोग नहीं मानते, लेकिन आपकी आखरत की सेविंग जो है ये इकट्ठी हो गई है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शर शैतान शर इंसान से महफूज रखे।